गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हाय, आई एम प्रिया धर्मेश तिवारी फ्रॉम बेस्ट इंग्लिश स्कूल। टुडे वी आर गोइंग विद सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर अ स्टैंडर्ड फर्स्ट यूनिट 10, द टेलर एंड हिज फ्रेंड। आज हम जो है एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, द टेलर एंड हिज फ्रेंड, यानी कि टेलर यानी कि जो हमारे कपड़े बनाता है और उसका दोस्त। फ्रेंड तो आप सभी जानते हो ना। तो देखिए, ये स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। और आप इसको पहले, मैं इसको आपको स्टोरी बताऊंगी, ओके, फिर आप बताना उसके क्वेश्चन आंसर उससे, ठीक है। अब आप कहोगे मैम हम क्वेश्चन आंसर कैसे बताएंगे, बट जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तो आइडिया हमको भी हो जाएगा ना। तो चलिए अब हम जो है अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। कालू यानी कि कालू एक जो है नाम है इस टेलर का, ठीक है। और कह रहे हैं कि कालू द टेलर हैड अ शॉप, कालू की जो एक टेलर की शॉप थी, यानी कि दर्जी की शॉप थी। टेलर कौन होता है? जो हमारे कपड़े स्टिच करता है ना। और उसकी शॉप कहाँ थी? नियर द रिवर। नियर मीन्स होता है पास में, NEAR। नियर मीन्स क्या होता है? पास में। रिवर, रिवर मीन्स होता है नदी, RIVER। रिवर मीन्स क्या होता है बेटा? नदी। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन। वो जो है रंग बिरंगे करके कपड़े बनाता था। क्या बनाता था? पैंट्स बनाता था। देखिए पैंट्स रख रही है, आपको दिख रही है, और ये देखिए शर्ट। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए। अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड। अप्पू, ये जो आपको अप्पू दिखाई पड़ रहा है एलिफेंट, वो कौन था? उसका दोस्त था, ठीक है। यानी कि अप्पू और जो टेलर था यानी कि कालू, दोनों क्या थे? बहुत अच्छे दोस्त थे, फ्रेंड थे। फिर क्या हुआ? अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। अप्पू जो है उसकी शॉप पर रोज आता था। एवरी डे मीन्स क्या होता है बेटा? रोज। एवरी डे मीन्स क्या होता है? रोज। कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट। कालू जो है उसको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देता था खाने के लिए। वन डे कालू वॉन्टेड टू प्ले अ ट्रिक। एक दिन क्या हुआ कि कालू जो है उसके साथ क्या करना चाहता था? प्ले, वॉन्टेड टू प्ले अ ट्रिक, यानी कि उस पर एक ट्रिक आजमाना चाहता था। क्या आजमाना चाहता था? देखिए ट्रिक का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को परेशान करना चाहते हैं, है ना, और हम सोचते हैं कि इसको हम कैसे परेशान करें। तो कालू ने भी जो है उसे एक ट्रिक उसको सूझी। क्या सूझी उसने? कि वन डे कालू वॉन्टेड टू प्ले अ ट्रिक, ही डिडंट गिव अप्पू एनी थिंग टू ईट। उसने क्या किया कि एक दिन अप्पू को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। ही टुक आउट हिज नीडल इंस्टीड एंड प्रिक्ड अप्पूज ट्रंक। उसने क्या किया कि जो है अप्पू को खिलाने की जगह पे उसने क्या किया कि अप्पू की जो ट्रंक है, यानी कि ये देखिए अप्पू की जो ट्रंक थी, तो क्या किया उसने उस पर स्विच बो दी। दिख रहा है आपको? ही टुक आउट हिज नीडल इंस्टीड एंड प्रिक अप्पूज ट्रंक। उसने जो है सुई निकाल कर उसकी ट्रंक पर चुभो दी। अप्पू रैन अवे इन पेन। अप्पू जो है वहाँ से भाग गया दर्द से। यानी कि देखिए अब जो हमारे ऊपर कोई हमारे ऊपर निडल यानी कि जो सुई होती है वो हमको जो है चुभाएगा तो हमको लगेगा ना। तो इसी तरीके से क्या हुआ, अप्पू को भी लगी और वो वहाँ से चला गया। पेन मीन्स होता है दर्द। टू डेज लेटर, दो दिन के बाद अप्पू केम डाउन टू द रिवर एंड फिल्ड हिज ट्रंक विथ वाटर। एक दिन, दो दिन बाद क्या हुआ कि जो है अप्पू जो है नदी में गया और अपनी ट्रंक यानी कि ये जो सूंड होती है इसमें जो है उसने पानी को क्या कर लिया? फिल कर लिया, यानी कि भर लिया। ही रीच्ड कालूज शॉप, और रीच्ड मीन्स होता है पहुँचा, और वो जो है कालू की दुकान पर पहुँचा। एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर, और उसने क्या किया, सूर से सारा पानी सब जगह फैला दिया, फेंक दिया। ऑल द न्यू क्लोज बिकेम वेट, सारे जो नए कपड़े थे वो कैसे हो गए? गीले हो गए। अप्पू शूक हिज ट्रंक एंड सेड
एंड एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट्स. अप्पू शू की स्ट्रंग, अप्पू ने अपनी शू मानी होता है हिलाकर, ठीक है, उसको हिलाकर बताया. क्या कहा उसने कि एन एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट्स, जो हाथी होता है वो कभी नहीं भूलता है. क्या नहीं भूलता है, यानी कि जब कालू ने उसके ऊपर एक ट्रिक चली ना उसको जो है परेशान करने के लिए कि चलो मैं आज इसको कुछ खाने के लिए नहीं देता हूँ, आज उसके सोर पे क्या चुभा देता हूँ, सुई चुभो देता हूँ, तो एलिफेंट ने भी बदला लिया. एलिफेंट ने क्या किया, नदी में जाकर अपनी सूंड में पानी भरकर और जो है उसकी शॉप पर फैला दिया. तो इससे क्या हुआ, जो नए नए कपड़े हो गए जो थे वो सब क्या हो गए, गीले हो गए. वेट मीन्स होता है गीले. अप्पू शूक हे स्ट्रॉन्ग एंड सेड, अप्पू ने अपनी सूंड हिलाकर कहा कि एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, हाथी जो है वो कभी कुछ नहीं भूलता है. कालू सेड आई एम सॉरी अप्पू. कालू ने फिर उसको क्या बोला, सॉरी बोला. उसने कहा आई एम सॉरी, लेट्स बी फ्रेंड अगेन, चलो हम फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं. कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स. फिर कालू और अप्पू जो है वो क्या हो गए, अच्छे दोस्त बन गए, राइट. तो देखिए ये हमारी स्टोरी थी. अब हम इस पर क्या करेंगे, इस स्टोरी के हार्ड वर्ड्स लिखेंगे, ओके. तो आपको क्या करना है कि जो है हेडिंग डालनी है, डेट डालनी है नोटबुक में, और फिर हार्ड वर्ड्स लिखकर, ठीक है, ऊपर हेडिंग डालनी है, हार्ड वर्ड्स, और उसके बाद जो मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ आपको उसमें जो है नोटबुक में लिखना है, ओके. टेलर टी ए आई एल ओ आर टेलर. शॉप एस एच ओ पी शॉप. रिवर आर आई वी ई आर रिवर. एम ए डी ई मेड. COLOURFUL colorful. Elephant everyday. Many THINGS things. WANTE wanted. Took TOOK took. Needle NEEDLE needle. Instead, INSTEAD, instead. Pricked, PRICKED, pricked. Ran, RAN, ran. PAIN, pain. Letter, LATER, letter. DOWN down. TRUNK drunk. WATER water. READ reached. Everywhere EVERY every. WHERE everywhere. BECAME became. WET wet. TRUNK drunk. SHOOK shook. FORGETS forgets. FRIEND friend. BECAME became. Okay. तो ये देखिए हमारी इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स थे, ओके. तो यू हैव टू लर्न एंड राइट, ओके. लर्न भी करने हैं उनको, राइट भी करना इन योर नोटबुक. एंड नाउ वी विल डू द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, ओके. ये देखिए मेरी एक्सरसाइज जो है हमारी, इसको हम जो है करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. बट इसके पहले हम क्या करेंगे, इसकी वर्ड्स मीनिंग. फ्रेंड, आपको जो है जब आप हार्ड वर्ड्स लिख लोगे उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है वर्ल्ड मीनिंग, MEANING, ओके. वर्ल्ड मीनिंग, और उसके बाद जब आप वर्ल्ड, यहाँ पर जब आप वर्ल्ड लिखोगे और उसके सामने लिखोगे मीनिंग, तो वर्ल्ड यहाँ पे आना चाहिए और इसकी मीनिंग इधर लिखनी है आपको, ओके. तो फ्रेंड, अ पर्सन होम यू नो वेल. फ्रेंड का मतलब क्या था, फ्रेंड हमारे कौन होते हैं, जो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं या हम इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रेंड. अ पर्सन होम
यू नो वेल, एक ऐसा व्यक्ति जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं। शॉप, अ प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड। शॉप किसको कहते हैं? जहाँ पर सामान को बेचा जाता है। ठीक है, आपको पता है ना कि हम कहीं शॉप पर जाते हैं तो हम उनको पैसे देते हैं, फिर हमसे हम चीज़ें खरीदते हैं ना। तो यहाँ पर गुड्स का मतलब गुड माने अच्छा वाला नहीं है, यहाँ पे गुड्स का मतलब है चीज़ सामान से। ओके, अ प्लेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर सामान जो होता है वो बेचा जाता है। टेलर, वन हु मेक्स क्लोथ, जो हमारे कपड़े सिलता है। वन हु मेक्स क्लोथ्स। पेन, पेन का क्या होता है? हर्टिंग, HURT हर्ट, ING हर्टिंग। ट्रिक, अ स्मार्ट एक्शन टू फूल समवन। स्मार्ट एक्शन यानी कि एक ऐसा कुछ भी, मतलब किसी को जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए हम जो ट्रिक करते हैं, जैसे सोच लेते हैं ना कि आज चलो ना इसको ऐसे परेशान करेंगे। अ स्मार्ट एक्शन टू फूल समवन। वेट, WET वेट, टू गेट कवर्ड विद वाटर, यानी कि जो चीज़ पानी से एकदम कवर्ड हो जाए यानी कि भीग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेट, यानी कि टू गेट कवर्ड विद वाटर। कपड़े गीले हो जाते तो ऐसे ही होता है ना। अब देखिए हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है, हु वॉज कालू, हु वॉज कालू, हु वॉज अपू, वेयर वॉज कालूज शॉप, What trick did Kalu play on Appu? How did Kalu's clothes became wet? Okay, तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट का हम आंसर क्या लिखेंगे? Who was Kalu? Kalu was a tailor. देखिए जो मैं आपको means ऐसे जो 2 का पेपर होंगे हमारे, मैं उसमें क्वेश्चन आंसर दूंगी बट ओनली वन वर्ड वाले। ओके, जो ये आपको लेंथी दिख रहे हैं ये मैं आपको जो है एग्ज़ाम में नहीं दूंगी, बट ये जो छोटे छोटे से हैं, हु वॉज कालू, कालू वॉज अ टेलर, हु वॉज अपू, अपू वॉज एन एलिफेंट, अपू कौन था? कौन था? एलिफेंट। वेयर वॉज कालूज शॉप, कालू शॉप वॉज नियर द रिवर। ऐसा हमसे पूछ रहा कि वेयर वॉज कालूज शॉप, कालू की जो शॉप थी वो कहाँ थी? तो कालू शॉप वॉज नियर द रिवर। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करने हैं। हु वॉज कालू, हु वॉज अपू, वेयर वॉज कालूज शॉप। ओके, वॉट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अपू, यानी कि जो कालू था उसने उसकी कौन सी जो है ट्रिक चली, किसके ऊपर? अपू के ऊपर। वन डे कालू प्लेड अ ट्रिक ऑन अपू, व्हेन अपू केम टू कालू शॉप, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम फूड, कालू प्रिक्ड अपूज ट्रंक विद अ नीडल, यानी कि कालू ने उसको खाना देने की जगह पर इंस्टेड ऑफ माने क्या होता है? इंस्टेड ऑफ मीन्स होता है किसी के बजाय, ठीक है, उस यानी कि किसी किसी की जगह पर कुछ और कर देना। ठीक है, जैसे मम्मी कहती है ना आपसे कि मैंने इसको ये कहा था और इसने ये ना करके ये कर दिया, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग हम फूड यानी कि खाना देने की जगह उसने क्या किया, उसकी जो है ट्रंक पर स्विच बो दी। हाउ डिड कालूज क्लोथ बिकेम वेट, कालू के जो कपड़े थे वो कैसे गीले हो गए? कालूज क्लोथ बिकेम वेट एज अपोज फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर एंड थ्री वाटर ऑन कालू एंड द क्लोथ कैप्ट इन हिज शॉप। ओके, तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन आंसर है, इनको आपको अच्छे से लर्न करने हैं। वॉट डू यू डू, अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है वॉट डू यू डू। देखिए जब जो कालू था उसने अप्पू को परेशान किया तो उसने उसके साथ क्या किया? कपड़े सब उसके गीले कर दिए, है ना। अब हमसे पूछा जा रहा है वॉट डू यू डू, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन समवन ट्रबल्स यू, अगर आपको कोई परेशान करता है तो आप क्या करोगे? व्हेन यू आर एंग्री, जब आप गुस्से होते हो तब आप क्या करते हो? When do you don't want to share? जब आप अपनी कोई चीज़ किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते हो तो आप क्या करोगे? And when someone asks you for a pencil, अगर आपसे आपकी पेंसिल कोई मांगता है या पूछता है तो आप क्या करते हो? ठीक है, When someone asks you for a pencil, अगर आपसे कोई पेंसिल के लिए पूछता है, जैसे आप क्लास में भी होते हो तो आपसे पूछा जाता है ना कि आपके पास पेंसिल है, है ना। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए,
When someone troubles you, अगर आपको कोई परेशान करता है तो I politely ask the person troubling me to not do so. हम उससे प्यार से कहेंगे, ठीक है, जो हमको परेशान कर रहा है तो उससे हम क्या कहेंगे प्यार से, to not do so, कि ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, है ना. When you are angry, जब आप गुस्से होते हो तो आप क्या करोगे, When I get angry, instead of shouting and fighting, I'll stop talking for some time. यानी कि जब वो गुस्सा, हमें गुस्सा आएगा तो हम क्या करेंगे, instead of shouting and fighting, यानी कि लड़ने और चिल्लाने की जगह हम क्या करेंगे कि हम थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, चुप हो जाते हैं, ठीक है. I'll stop talking for some time, मैं किसी से बात थोड़ी देर के लिए बिल्कुल करना बंद कर देते हैं. अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको गुस्सा आता है तो लड़ने लगते हैं, है ना, और फाइटिंग करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं. बट जो समझदार इंसान होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हम वहाँ से या तो हम वहाँ से थोड़ी देर के लिए हट जाएं, और या फिर जो है हम मतलब कुछ बोले ही नहीं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को एकदम शांत कर लें, ठीक है. और ये बात सही है, अगर किसी भी लड़ाई का सॉल्यूशन करना हो ना तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही होता है कि हम वहाँ पर उस जगह पर चुप हो जाएं, क्योंकि ओके. When you don't want to share, अब हमारी थर्ड सिचुएशन आती है, तो I say sorry when I don't want to share my things with others. अगर हम किसी के साथ अपनी शेयर चीज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे, ऐसा नहीं, और क्या कहेंगे कि I am sorry, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ या नहीं करूँगा. ओके, आई एम सॉरी व्हेन आई डोंट वांट टू शेयर माय थिंग्स विद अदर्स. हम उससे सॉरी बोल देंगे अगर हम किसी के साथ अपनी चीज़ शेयर करना नहीं चाहते हैं. व्हेन समवन आस्क्स यू फॉर अ पेंसिल, अगर आपसे कोई पेंसिल के लिए पूछता है या मांगता है तो आप क्या करते हो, आई गिव माई एक्स्ट्रा पेंसिल इफ समवन आस्क्स फॉर इट. तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसको, अगर आपसे कोई पेंसिल के लिए कहता है तो हम क्या करें, हमारे पास जो एक्स्ट्रा पेंसिल होगी तो हम उसको दे देंगे, ठीक है, जो हमसे पूछ रहे हैं. और अगर सपोज़ हमारे पास एक ही पेंसिल है तो हम क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी, ठीक है. तो ये जो डिसिप्लिन होता है, ये एटिकेट होता है, इसको भी हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए, ठीक है. अगर हम किसी से अच्छे से बात करते हैं, किसी से प्यार से बात करते हैं, या हमें कोई चीज़ ख़राब भी लगती है, सपोज़ हमें कोई चीज़ ख़राब लगती है तो उसका हम प्यार से ही जवाब देते हैं. अगर आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें फॉलो कर लेते हो ना बेटा, तो कभी भी आप देखना कोई आपको अच्छा, मतलब कोई आपको ख़राब नहीं कहेगा, ठीक है. और क्या बोलेंगे, तो बहुत अच्छा बच्चा है, उसको चाहे कुछ भी बोलो बट कभी हमें पलट के जवाब नहीं देता है, बैक आंसरिंग नहीं करता है. ओके ओके. What games do you play with your friends? अब क्वेश्चंस आ गए हैं गेम्स के बारे में कि हम आप अपने दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेलते हो. I play hide and seek and chess with my friend. Hide and seek पता है ना, जो हम लोग छुप जाते हैं फिर कोई इंसान हमें ढूंढता है ना, उसको हम कौन सा गेम बोलते हैं, hide and seek. Can you walk and make sounds like an elephant? क्या तुम जो है elephant की तरह बोल सकते हो, चल सकते हो? No, I can't. Can't को हम देखिए cannot है, but अभी जो हमारी advanced English आई है उसमें हम क्या बोलते हैं, can't. I can't walk and make sound like an elephant. नहीं, हम elephant की तरह नहीं चल सकते हैं और उसकी तरह sound, यानी कि उसकी जो आवाज़ है वैसे हम नहीं निकाल सकते. ये देखिए questions हैं. Where is your house? आंसर हमें लिखना है कि my house is near my school. ओके, तो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उसमें बताना है कि आपके फ्रेंड का घर किसके पास है, और जो वेल होता है यानी कि जो कुआं होता है वो किसके पास है, किसके पास है. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं और ये इनके आंसर्स हैं, ये आपको खुद करना है, ठीक है. कि माई बुक, अब ऐसा बताना है कि मेरी बुक किसके पास है, ठीक है. तो आपको ये क्वेश्चन थोड़े से खुद बना के इसको करना है. ओके, जैसे मैंने ये नीचे आपको दिखाया ना, इसी टाइप से आपको यहाँ पर करना है. अब ये आया, पिक द ऑड वन आउट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, हमको यहाँ पे कि और चीज़ जो हमें लगे वो हमें इसको यहाँ से उस पर क्या करना है, सर्कल कर दीजिए, ठीक है. तो देखिए अब जब आप
ये पिक्चर्स देख रहे हो, ठीक है। देखिए ये क्या है, एप्पल, बनाना और ये ग्रेप्स। तो आप देख रहे हैं ये तीनों चीज़ें तो एक जैसी, जिन्हें हम खा सकते हैं और ये हमारे फ्रूट्स नेम भी हैं। और चीज़ क्या दिख रही है आपको, एलिफेंट, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे डेज नेम है ना, एक्चुअली इसमें क्लियर नहीं है अच्छे से, आई थिंक डेजी नेम है। ओके तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए ये शायद डेज नेम है और ये देखिए ऑड है ना। यहाँ पे देखिए मंथ्स नेम है शायद, ठीक है, ये मंथ्स नेम है और ये क्या है हमारा, ऑड है। अब देखिए ये व्हीकल्स है ना, बस, शेप, एरोप्लेन, ये सब किसके काम आती है, ट्रैवल करने के काम आती है ना। बट इट इज़ अ डिफरेंट, राइट। बुक, इरेजर, पेंसिल, तो ये चीज़ें हमारे किसके काम आती है, देखिए हमारे स्टडी मटेरियल है ये, तो है ना। स्टेशनरी में आप जाते हो तो आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं, हम स्कूल में भी ये सब चीज़ें लेकर आते हैं, है ना। बट ये जो कप है ये हमारा ऑट है, ये देखिए टर्निप है और ये क्या है, टोमेटो है, ये क्या है, कैरोट है। बट रोज इज़ डिफरेंट, है ना। अब ये देखिए ये सब हमारे हेल्पर्स दिख रहे हैं आपको, है ना। ये देखिए कौन है, डॉक्टर है, है ना, डॉक्टर है, पुलिसमैन है और ये टेलर है, ये टेलर है। और हमारी यहाँ पे जो टेबल है वो हमारी क्या होगी, ऑड हो जाएगी, है ना। ये देखिए यहाँ पे आपको सारे आंसर्स दिए हुए हैं, तो ये तो आप बच्चे बहुत अच्छे से करते हो। जहाँ पे मैं देखती हूँ जब मैं वर्क भेजती हूँ तो क्वेश्चन आंसर तो किसी के नहीं आते, बट जो वर्कबुक में काम होता है ना वो फटाफट आ जाते हैं, क्योंकि उसमें टिक लगाना होता है, किसी में सर्कल करना होता है, है ना। ओके देखिए टुडेज इज योर होमवर्क, यू हैव टू राइट हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, राइट। और इसको क्या करना है, हमें लिखना ही नहीं है, लर्न भी करना है। और आपको इस चैप्टर की जो हमारी स्टोरी है ना, इसको रीड भी ज़रूर करना है, ठीक है। इनको रीड करेंगे ना बेटा, तो आपकी जो रीडिंग स्किल होती है, बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेन रहती है कि उसको पढ़ना नहीं आता है, है ना। तो प्लीज़ आप इसको पढ़ने की कोशिश करो, अभी आप एक्चुअली स्कूल नहीं आ पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू कम टू स्कूल, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो इनको कोशिश करो, देखिए कोशिश करने से हर एक चीज़, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, ठीक है। ओके मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, मुझे डेफिनेटली पता है कि वो मेरा जो है कहाँ, सब बच्चे मानते हैं मेरे। ओके ओके, स्टे होम, स्टे सेफ विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, आई वुड लाइक टू वेलकम, बाय गाइज़।